हेलो एवरीवन, आई एम संदीप खैरवाल और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड लेके आया हूं और वो दोनों वर्ड जो है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे। द फर्स्ट इज अलोन एंड द सेकेंड इज लोनली। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये दोनों वर्ड जो है एक ही मीनिंग रखते हैं, मतलब अर्थ इसके जो होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कई बार होता क्या है कि हमारे सामने दो ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिन दोनों वर्ड्स के मीनिंग एक ही होते हैं, लेकिन उनके जो है यूज में हमें अंतर और बारीकियां उनका पता नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है हम उसका यूज गलत कर देते हैं और कई बार जो है हमें कहीं कहीं डबलाइज भी होना पड़ता है। तो इसलिए जो है शब्दों के अंतर को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए आज समझते हैं अलोन वर्सेस लोनली। वैसे देखा जाए बेसिकली दोनों वर्ड का मीनिंग अकेला होता है। क्या होता है? अकेला। दोनों वर्ड जो है वो अकेला मीनिंग को रखते हैं। अब हम जानेंगे कि इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। अकेला तो दोनों का मतलब होता है, लेकिन यूज कहां इसका करेंगे और कहां इसका करेंगे। आपने सुना होगा एक मूवी आया था खिलाड़ी 786 करके, कोई अक्षय कुमार का, जिसमें गाना था मैं तेरे बिन लोनली लोनली करके। तो उसमें जो है आपने क्या सोचा कि लोनली का ही क्यों प्रयोग किया गया, क्यों नहीं अलोन किया गया? आज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं डिफरेंस बताऊंगा, हो सकता है तो आप खुद ही समझ जाए कि आखिर क्यों जो है उस गाने में इस लोनली वर्ड का यूज किया गया अलोन का नहीं। आइए समझते हैं बारी बारी से दोनों के डिफरेंस के बारे में। पहला है जो हमारा अलोन, मैं आपको बता दूं इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है जी, अकेला। फर्स्ट थिंग हो गया इसका। दूसरी बात इसके बारे में कि यह जो है दो तरह से यूज होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी दोनों ही तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, दोनों तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी। तीसरी जो बात इसके बारे में जो बात है वो ये है कि ये जो है पॉजिटिव सेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में जो है इसका प्रयोग होता है। पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है? मतलब ये कि अब समझिए इसको, अलोन मतलब अकेला हो गया, और अकेला का मतलब ये होता है ना, देखिए ये एक मन की पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है ना। यहां पे क्या है कि हियर यू आर विदाउट अदर पीपल, यानी कि आप जो यहां पे हैं अकेले हैं, आपके साथ कोई दूसरा आदमी नहीं है, आप घर में अकेले बैठे हैं या कहीं अकेले घूमने के लिए चले गए हो, तो वैसे जगहों के लिए क्या यूज करते हैं? अलोन का। यानी आप यहां पे जो है खुश हैं ना, आप दुखी नहीं है, अकेले हैं तो आप दुखी नहीं है। कई लोग होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अलोन। देखिए अब यहां पे एक बात आ गया कि बींग अलोन इज नॉट इक्वल टू सैड, बींग अलोन इज नॉट इक्वल टू सैड, इट जस्ट मीन्स दैट यू हैव फाउंड योरसेल्फ, यू आर लिविंग योरसेल्फ इन अलोन, यानी कि आप अकेले रह रहे हैं। तो वैसे जगह पे आप क्या यूज करते हैं? अलोन का यूज करते हैं, यानी यहां पे अकेले रहने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश हैं, हैप्पी हैं, तो वैसे जगह पे आप यूज करेंगे अलोन का। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, देखिए ही लाइक्स लिविंग अलोन, ही लाइक्स लिविंग अलोन, यानी वह अकेले रहना पसंद करता है। और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, आई थिंक दैट We are alone now. I think that we are alone now. ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम जो है अकेले हैं, सारे लोग यहां से जा चुके हैं और हम अब अकेले हैं, अकेले हैं बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे तरह हम क्या यूज करेंगे? अलोन का यूज करेंगे। तो ये था अलोन के बारे में। अब आते हैं लोनली के बारे में, जानते हैं कि लोनली जो है कैसा मीनिंग रखता है, देखते हैं इसके बारे में भी। ये हो गया अलोन के बारे में, अब शुरू करते हैं यहां से लोनली। देखिए लोनली मीन्स भी क्या होता है? अकेला। एक वर्ड यहां पे और जुड़ेगा, तन्हा। देखिए
द फर्स्ट थिंग अबाउट दिस वर्ड इज अकेला और तन्हा, ठीक है, तन्हा तन्हा जिया ना जाए नहीं होता है, तो वही सब बात है, अकेला और तन्हा। यहाँ पे एक तन्हा, अब यहाँ पे जो है एक वर्ड आने लगा, एक अलग वर्ड आने लगा, आप समझ रहे होंगे कुछ अलग जा रहा है ना, तो तन्हा का मतलब अब ये अलग टाइप का मीनिंग देगा। जैसे जैसे स्टेप वाइज मैंने इसके बारे में बताया ना, वैसे स्टेप वाइज इसके बारे में बताता हूँ। इसका ये अकेला, इसका फर्स्ट स्टेप हो गया अकेला और तन्हा, यहाँ देखते हैं सेकंड स्टेप, यानी ये जो है सिर्फ एडजेक्टिव के ही तरह यूज होता है, किस तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और ये दोनों की तरह यूज होता था ना, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तीसरा स्टेप इसमें ये था, इसमें देखते हैं क्या है, निगेटिव सेंस, यानी कि हमने देखा कि ये जो है निगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, और पहले वाला किस सेंस में यूज हो रहा था, पॉजिटिव सेंस में। अब यहीं पे मेन डिफरेंस है, समझ लीजिए, ये पॉजिटिव सेंस में और ये निगेटिव सेंस में, यानी कि अब यहां पे जो इंसान है वो अपने आप को लोनली फील कर रहा है, यानी कि वो बेचारा निगेटिव सेंस में जा रहा है। अब यहां पे आपको एकदम मेन चीज समझने है, देखिए क्या है कि लोनली का मतलब ये हुआ, अब ये मत समझ लीजिएगा कि लोनली का मतलब आप अकेले बैठ गए हैं यहां पे घर में तो लोनली है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए है क्या कि आप जो है हजारों की भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को अकेला कर महसूस कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं लोनली। ऐसा होता है, ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है, समझ ही रहे होंगे किनके साथ, तो हजारों की भीड़ में बैठे रहते हैं और फिर भी अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। तो वैसे पॉइंट जहां पे आपके साथ अगल बगल बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनका कोई भी असर आप पर नहीं है, तो वैसे जगह पे आप क्या यूज करते हैं, लोनली का, ठीक है। तो लोनली वहां यूज करेंगे जहां आप अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हो। तो यहां भी जो है थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसके बारे में, कैसा एग्जांपल आता है, लोन लाइनेस इज अ बैड फीलिंग, ये हो जाएगा आपका इसका एग्जांपल, लोन लाइनेस इज अ बैड फीलिंग, ये एक जो है बैड फीलिंग है, यानी जब आप अकेले हैं तन्हा है तो आप जो है अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, आई फील दैट, सॉरी आई फील लोनली लिखता हूं, आई फील लोनली नाउ दैट माय बिलव्ड हैज लेफ्ट मी, ठीक है, आई फील लोनली नाउ दैट माई बिलव हैज लेफ्ट मी, समझ गए मीनिंग। तो जब ऐसे सिचुएशन आएंगे तो आप क्या कहेंगे, लोनली, और जब वैसे सिचुएशन आएंगे तो आप क्या कहेंगे, अलोन। तो ये था अलोन वर्सेस लोनली, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में लिखकर के जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि वो भी जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आपके साथ साथ इन तरह के इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग्स के बारे में वो भी जान सके। और एक बात कि हमारे इस चैनल पे आपको पता है कि एक बेसिक इंग्लिश का जो है चैप्टर वाइज सेशन चल रहा है, चैप्टर वाइज सेशन जो है सीरियल वाइज यूज हो रहे हैं चैप्टर वाइज, और आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाए ताकि जो है आपको उस बेसिक अगर इंग्लिश के बारे में भी जानने हैं तो चैनल से जुड़ करके उसके बारे में भी आप जान सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।